एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, द बेस करंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 105 माइक्रो एम्पियर एंड द कलेक्टर करंट इज 2.05 मिली एम्पियर, फाइंड द बीटा एंड अल्फा। अब देखो ये बीटा क्या है और अल्फा क्या है, ये है करंट गेन। बीटा वाला किस केस में है करंट गेन, कॉमन एमिटर वाले ट्रांजिस्टर्स में, और कॉमन बेस वाले ट्रांजिस्टर्स में जो करंट गेन है वो क्या होता है हमारे पास, अल्फा होता है। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला भी आपको पता है, बीटा क्या है करंट गेन फॉर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर्स। तो बीटा का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट, दैट इज आई सी आउटपुट करंट, और बेस करंट होता है इसमें आई बी, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो आईसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आईसी भी कितना दिया हुआ है, कलेक्टर करंट कितना दिया हुआ है हमें, 2.05 मिली एम्पियर दिया हुआ है, और जो आईबी दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 105 माइक्रो एम्पियर। देखो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देखो आईसी की वैल्यू कितनी है, 2.05 मिली एम्पियर, मिली को हम लिखते हैं 10^-3 में, ये हो गया एम्पियर में। आईबी कितना है हमारे पास, 105 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो कैसे लिखेंगे हम, इनटू में 10^-6 कर देंगे, ये एम्पियर में ही आ गई वैल्यूज। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में मिली एम्पियर में दिया हुआ था तो वहाँ हमने चेंज नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो आईई था वो मिली एम्पियर में था, तो कलेक्टर करंट और बेस करंट भी हमने मिली एम्पियर में ही निकाल दिए थे। अब यहाँ पर ये दो करंट दिए हुए हैं पहले से ही, बेस करंट और कलेक्टर करंट, और दोनों में देख लो यहाँ माइक्रो में है यहाँ मिली में है, तो यहाँ पर जब मैं डिवाइड करता अगर इनको एज इट इज रहने देता, ये चेंज ना करता एम्पियर, तो ये गलत होता। क्यों, क्योंकि आप आईसी को ले लेते किसमें, मिली एम्पियर में, और आईबी को लेते माइक्रो एम्पियर में, तो सेम यूनिट करने पड़ेंगे यहां पर, एम्पियर में ही लेकर आना पड़ेगा हमें इनको। ठीक है, तो ये एम्पियर में ही ले आए हम। अब देखो इनको सोल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर देखो ये 2.05 है, इसका पॉइंट हटाकर हम 100 लगा दें नीचे, और ये 105 है ही यहाँ पर, इनटू में 10^-3 है, और ये माइनस का 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर 205 इनटू में 10^-3 प्लस 6 प्लस का 3, और यहाँ पर हो गया ये 100 एंड दिस इज 105। तो देखो यहाँ से 205 मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में 105 इंटू में ये 100 हो गया, ये वाला 100 यहाँ लिख दिया मैंने, देखो 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया आपके पास 205 0105। अब इसे जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 19.5। तो ये तो आ गया हमारे पास बीटा, जो कि है हमारे पास करंट गेन फॉर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अल्फा की, अल्फा भी हमें निकालना है। तो अल्फा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आउटपुट करंट दैट इज आई सी एंड इनपुट करंट, और इनपुट करंट इसमें होता है आपके पास आई ई। अब ये आई ई की वैल्यू हमें चाहिए, तो आई ई की वैल्यू कैसे आएगी सोचो ज़रा। देखो ट्रांजिस्टर एक्शन से हमें आई ई की वैल्यू पता है क्या होती है, आई बी प्लस में आई सी। ठीक है, अब देखो ये आई बी कितना है हमारे पास, आई बी की वैल्यू थी हमारे पास 105 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो 105 माइक्रो हम कैसे लिखेंगे, 10^-6 प्लस में, आई सी था हमारे पास 2.05 मिली एम्पियर, मतलब 10^-3, समझ रहे हो बात को। देखो अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे किस तरीके से, देखो 105 इंटू में 10^-6 है, प्लस में 2.05 का नीचे मैं 100 लगाऊंगा, दैट इज़ 10^2। ठीक है, एंड ये ऊपर है 10^-3, तो ये 2 जो नीचे है, 10^2 मतलब 100 है ना नीचे, तो 10^2 लिख सकता हूँ मैं उसको, तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा, और -3 -2 कितना होता है, माइनस का 5, तो ये देखो 205 इंटू में 10^-5 ये बन गया, और ये बन गया 105 इंटू में 10^-6। यहाँ से देखो 10^-5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 105 एंड 10^-1 यहाँ रह गया, क्योंकि -5 बाहर चला गया, प्लस में यहाँ रह गया सिंपल 205। कितनी बात समझ में आई है बताओ, दिख रहा है ये सभी को, ये देख लो अच्छे से। ठीक है, अब दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ये समझ गया ना, 10^-3 क्योंकि यहाँ मिली एम्पियर था इस वजह से, फिर ये पॉइंट हटाकर हमने 100 लगाया, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10^2, और ये 2 ऊपर जाके -2 बनेगा, तो -3 -2 -5 हो गया, यहाँ से -5 कॉमन लिया हमने, 10^-5 यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, -1, और यहाँ से तो ये चला गया है तो 1, तो यानी कि 1 × 205 205 रह गया। ठीक है, अब देखो ये 10^-5 105 इंटू 10^-1 मतलब अपॉन में 10 हो गया ये। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10.5 प्लस में 205, तो इनको ऐड करो, ये बनेगा आपके पास 205 में ये ऐड करेंगे ना, तो ये बनेगा 215। ठीक है, 215 पॉइंट में 5 ऐड कर लेना 205 में 10.5, तो ये 215.5 बनेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पर क्या चल रहा है आपके पास, ये 10^-5, ये जो बाहर कॉमन था, ठीक है ना, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये पॉइंट आपको कहाँ पर लेकर आना होता है, इस फर्स्ट डिजिट के आगे लेकर आना होता है, क्यों, क्योंकि जब भी ये माइनस में इस तरीके से टर्म्स होंगी 10^ में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लेकर ही आनी पड़ती है। तो ये देखो
टू, और देखो दो पॉइंट इधर शिफ्ट होंगे अगर, तो देखो किस तरीके से हो सकते हैं शिफ्ट। देखो इसको मैं लिखूंगा 215.5 इंटू में 10 की पावर -5, दो ही पॉइंट इधर लेके आने हैं ना, तो इस -5 को ब्रेक करो, 10 की पावर -3 बनेगा एंड 10 की पावर -2। अब देखो क्या होगा, 215.5 है ये, 10 की पावर -2 नीचे जाके क्या बनेगा, 10 की पावर 2, दैट इज 100, और ये 10 की पावर -3। अब देखो यहाँ पर 215.5 है, ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, अब आपके पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा अगर ये 100 आप हटा दोगे, ठीक है, तो कितना बनेगा 2.155, और ये 10 की पावर -3 बचा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली एम्पियर। ये IE आ गया हमारे पास यहाँ से, अगर क्वेश्चन में ये होता कि IE भी निकाल दो तो इस तरीके से निकलता, और अल्फा की वजह से मुझे तो IE चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर IC कितना था हमारे पास, IC की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 2.05 मिली एम्पियर थी ना, तो मिली को मैं लिखूंगा 10 की पावर -3, और यहाँ पर ये कितनी है हमारे पास 2.155 मिली एम्पियर, दैट इज 10 की पावर -3, इस तरीके से, ठीक है। ये देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, अब मैं ये पार्ट यहाँ आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 2.05 का 100 लगेगा नीचे, और नीचे है 2.155, इसका 1000 नीचे लगेगा, वो 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इसमें से दो जीरो इसके साथ कैंसिल, तो कितना आ गया ये 2050/2155, ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। अब आप इसको या तो डिवाइड कर लो या फिर पहले 5 से कट कर लो, ठीक है, इतना भी ज़्यादा से ज़्यादा कट कर सकते हो, कट करके फिर आप डिवाइड करना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.95, दैट विल बी अल्फा। क्या इतनी बात समझ में आई है, ये हमारे पास करंट गेन बन जाएगा किसके लिए, ये वाला जो मैंने निकाला है यहाँ पर, फॉर द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, क्योंकि अल्फा जो होता है वो करंट गेन किस में होता है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर्स में ही होता है। समझ में आई है कहानी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, लेकिन ये बस आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर ये, कि जब IE निकाल रहे हो तो ये मिली एम्पियर में आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है तो यहाँ पर ये सिंपल यहाँ एम्पियर लगा देते हैं आप, 215.5 इंटू में 10 की पावर -5 एम्पियर, ये भी ठीक था, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करते फिर आप एम्पियर्स, तो आंसर यही आना है आपके पास, क्लियर है, कर लोगे ये, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके जी, थैंक यू।